aku. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे, तो हम भी अच्छे से हैं। और क्या कह रहे हो? ये वाला जो है ना, ये वाला इसको निकाल दूं, तोड़ देता हूं। और ये ना एक चीज है, ये जो कद्दू की बेल है ना, ये जा रही है ऊपर वायर पर जा रही है, जैसा आप देख रहे होंगे, तो बिजली की तार है और इसमें ना मतलब थोड़ा रिस्क है, तोड़ के नहीं जा रहा। और मैं तो कह रही हूँ नीचे से उसे कट ही कर दूं इसको, इसमें इसे भी निकालने के लिए मना करो। क्यों? तो कल के व्लॉग में जो है मैंने आपके सबके साथ शेयर किया था कि जो मेरा पिन है अब उसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि आ नहीं रहा था। और उस वाले वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा जो है ना कमेंट किए और बहुत सारे आपने जो है ना विशेष किए, लेकिन जो है ना मैं आप लोगों के ना जो कमेंट का जो है ना रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और मैं डेली रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कल मैं रिप्लाई नहीं कर पाई आप सबका। तो उसके लिए सबसे पहले सबको सॉरी बोलती हूँ, और जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं सबको ही रिप्लाई करूँगी। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, पीछे बिल्कुल धुंध लगी हुई है और धूप ही है, लेकिन सामने पे जो है ना बिल्कुल धुंध है। और आज घर पे कोई स्पेशल आया हुआ है, मैं मिलाती हूँ आपको आज किसी छोटी सी क्यूटी पाई से मिलाती हूँ मैं। सो ये देखिए, इससे तो आप जानते हैं ये है अकुसेट, ये ब्यूटी क्वीन है, ये देखो देखना इसे लिपस्टिक लगा रही सुबह सुबह। रिद्धि नहीं लगाते ना। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक और छोटी सी प्यारी सी बेटी, और आपका नाम क्या है? हेलो करो रिद्धि। और इनका नाम, छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है रिद्धि, और अभी जो है ना कैमरे पे शर्मा रही है। अक्कू बोलो, अपनी फ्रेंड को बोलो हेलो करने के लिए, बोलो बोलो हेलो, बोलो वहां पे, बोलो रिद्धि को बोलो हेलो करो, हेलो रिद्धि बोलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलो बोलो। अच्छा अक्कू बताएगी, अक्कू कैसे बोलते हैं ज्यादा बताओ, रिद्धि को भी बताओ। अच्छा बताओ अक्कू, वीडियो को क्या करना होता है? अक्कू ने तो अपना बस मेकअप निकाल लिया, अभी नहा ही नहीं है, कुछ नहीं किया, ब्रश नहीं किया, बस मेकअप देखो, यहाँ देखो लड़की का मेकअप। आप करते हो ऐसे मेकअप? आप भी करते हो? नहीं करते? ये कहाँ से आया भाई? तो अभी जो है ना नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, और ऊपर वाले रूम की भी जो है ना सफाई हो गई है। और ऊपर वाले रूम की सफाई ना मैं सबसे पहले इसलिए चाहती हूँ कि यहाँ की सफाई हो, क्योंकि जब ना कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाता है तो ये रहता है ऊपर वाला रूम थोड़ा साफ सुथरा रहता ना, तो मुझे दिल को तसल्ली होती है कि यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और फिर नीचे वाला रूम में थोड़ा हार्श पॉश ऐसा रहता है तो कोई नहीं, पर ऊपर वाले रूम में ना मेरे को रहता है कि भाई यहाँ पे पहले सफाई होनी चाहिए सुबह उठ के, जिसके लिए ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, मारपीट हो जाती कई बार, तो मारपीट नहीं होती ऐसे ही। अच्छा, एक खुशी वाली बात बताऊं? बैठो बताओ। एक खुशी वाली बात बता देता हूं मैं कि मतलब लगातार 16 महीना मेहनत करने के बाद अगले महीने या इस महीने जो रितिका की है वो क्या सैलरी आ जाएगी यूट्यूब से, क्योंकि हमने जो बैंक अकाउंट था हमने सारा उसमें ऐड कर दिया है। तो 22 तारीख को जैसे ही वो मेल करेंगे और कितनी पेमेंट आएगी वो भी बताएंगे मंथली, वो तो जब आएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितनी पेमेंट आई है मेरी, 16 महीने मैंने मेहनत करी है उसके बाद मुझे क्या फल मिला उसका। पर जो भी होगा, छोट ज्यादा हो कम हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं मेहनत करती रहूंगी उसका फल तो वैसे ही मिलेगा मुझे, लेकिन हाँ फाइनली मिलेगी इसकी तो बहुत ज्यादा खुशी है। और कल आपके कमेंट आ रहे थे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं थोड़ी सी मायूस थी और तो, लेकिन इस वाले वीडियो में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो हाँ ये बात सही है कि मैं कल वाले वीडियो में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इतनी बड़ी टेंशन जो खत्म हो गई थी। और किसी ने मुझे कहा था कि आपको आपके बर्थडे का गिफ्ट मिल गया है, तो वो भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ सही कह रहे हैं, गॉड ने मुझे अपने बर्थडे का गिफ्ट जो है ना पहले ही दे दिया है, कि जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और जहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, फाइनली उस चीज में ना मैं सक्सेस होने वाली हूँ बस। और मेरा जो बर्थडे आएगा उसमें पेमेंट आ जाएगी शायद, अगर कोई गड़बड़ ना हो तो, अभी जब तक आई नहीं तब तक कुछ बोल नहीं सकते। अब तो आई जाएगी, अब तो वैसे तो कोई चांस नहीं है गड़बड़ का, लेकिन फिर भी है अपना अपना लक है, तो देखते हैं और सब अच्छा ही होगा। और अभी चलते हैं बाहर के, और भी कुछ काम है, मैं आपको बताती हूँ आज हमने क्या क्या काम करना है। तो यहाँ पे जो है ना नीचे यहाँ पे जो है ना हल्की हल्की सी घास हो रही है, तो यहाँ पे जो है ना हमें ये जगह ना बिल्कुल साफ करनी है, क्योंकि ऐसे में जो है ना जो है सांप वाप का भी डर होता है, और घर के आसपास ना बिल्कुल साफ सुथरा भी होना चाहिए। तो ये काम मैं तब करूँगी जैसे मैं और काम करना है, पहले है ना अक्कू को नहलाना है और बाकी पानी वगैरह भरना, और भी छोटे मोटे काम है वो करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो धीरे धीरे मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ अक्कू के लिए गर्म पानी नहाने के लिए, और उसको नहलाऊंगी ना तो उसको एकदम से नहला धुला के वो अपना खेलती रहेगी, साइड हो जाएगी, फिर उसकी तरफ से मेरे लिए कोई काम नहीं होगा। ये देखो इनको पानी लगा के दो, इनको कपड़े निकाल के दो, सब कुछ उनके बाथरूम में सारी चीजें इनके लिए रखो, तब जाके ये नहाएंगे। ऐसे 50 किलो चावल भी लाने उठा के रोड से। तो चलिए पहले हम चलते हैं नीचे और काम की तरफ चलते, काम करते हैं।
ये क्या टूटा हुआ भाई? अरे ये ना वो होता है, मतलब जो करवा चौथ में नहीं आता जिसमें चावल या हांडी, हांडी बोल लो, और हमारे गढ़वाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पेटली बोलते हैं ना, पेटली। हाँ वही, हाँ पेटली बोलते हैं। और पहले के टाइम पे क्या होता था ना, इसमें ना खाना बनाते थे उसमें, और छोटे बच्चों को खिलाते थे जो कि बहुत ज्यादा पौष्टिक होता था। तो कल ना मम्मी जो मुझे कह भी रही थी कि इसमें ना अक्कू के लिए खाना बनाइए, मैंने कहा रहने दो मम्मी, मैंने कहा अक्कू वो अक्कू वैसे नहीं खाती, तो इसमें कहाँ से, तो वैसे नॉर्मल हम बर्तन अच्छे उसको बना के दे रहे तब नहीं खाती। कह रहे नहीं बच्चे के लिए ना इसमें ना अच्छा होता है खाना, ये पहले के टाइम पे मम्मी कह रही थी हम ऐसे ही बच्चों को बना के देते थे, तो खिचड़ी बनाओ अच्छे से, और तो बच्चे खाते थे। और अक्कू ने ना ये तोड़ दिया, कल मैं मंदिर की सफाई कर रही थी तो तब तोड़ा, और मुझे कमेंट आया था कि शायद में आपने मंदिर की सफाई नहीं करनी थी और आपको नवरात्र पहले नवरात्र में स्टार्ट करना था, तो मुझसे ना भूल हो गई है, क्योंकि जब मैंने सफाई करने के लिए सारी चीज़ें जो है ना मंदिर की मूर्तियाँ वगैरह निकाल दी थी, तब मम्मी ने मुझे बोला कि तुमने आज क्यों किया, कि तुम्हें ना नवरात्रों में करना चाहिए था। तो चलिए फर्स्ट नवरात्र पे तो ना गंगा जल से थोड़ा सा छिड़क दूंगी, और बाकी मुझसे गलती हो गई है, तब क्या करूँ। अभी मैं नीचे वाले रूम में आई हूँ और ऊपर वाले रूम की सफाई हो गई है अच्छे से। नीचे वाले रूम में ना ये नॉर्मल जो घर के डेली के काम होते हैं ये मैं वही कर रही हूँ, और मैंने इस वाले रूम की भी है ना जो अच्छे से सफाई कर दी थी। तो अभी जो है ना मैं गैस साफ कर रही हूँ, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और गैस साफ कर रही हूँ बस। तो अभी यहाँ पे पानी लगाया गर्म करने के लिए आपको के लिए, और हम लोग भी नहाएंगे तो यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए आया है। और अभी अक्कू और अक्कू की फ्रेंड दोनों खेल रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये अक्कू की फ्रेंड नहीं है, और ये इन दोनों का रिलेशन क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो जो रिद्धि है ना, तो रिद्धि ना अक्कू को बुआ बोलेगी, है ना बुआ अक्कू, अक्कू बुआ भी बन गई इतनी छोटी सी उम्र में। हेलो, ओ हेलो बुआ। तो रिद्धि, रिद्धि आप अक्कू को क्या बोलोगे? रिद्धि इधर देखो, रिद्धि खेल रही है। रिद्धि हाँ हाँ तो खेलो ना, इनको देखो बच्चे के साथ कैसे खेल रहे हैं, ये देखो। और छोटे बच्चे के साथ खेल लेते, किसके साथ खेलोगे? यहाँ देखो इनको देखो, अक्कू आप क्यों नहीं खेल रहे, जाओ बस थोड़ी देर में पानी जो गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं अक्कू को मिलाऊंगी और फिर और काम करते हैं। अभी ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, अरे इधर में जाओ, उधर घास है, इधर आ जाओ। पूरा वीडियो निकल गया, तुम ये तो बता नहीं ये लड़की किसकी है। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम, हाँ देखा पापा का नाम बड़ी जल्दी बोल रही है बेटी। हाँ। और वैसे हम बोल रहे हैं, अच्छा हेलो कर दो, हेलो हाय करो, हाय करो कैमरे पे, हाय करो ऐसे करो रिद्धि, ऐसे करो हेलो। और आप अक्कू को क्या बोलोगे? बुआ, बुआ बोलोगे ना, बुआ या आपकी बुआ है नोजी, नोजी। सबको कोल्ड और कफ हो रहा है, समय वायरल चल रहा है, बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है, खुद की तबीयत खराब हो रही है, खांसी हो रही है। क्या है भर रखा इतना? आदमी दो हैं, 10 बैग कपड़े। ऐसे ही होता है, कपड़े जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो अभी ना मेरा अक्कू बच्चा, मेरा प्यारा सा बेबी ना नाई नाई कर ली, मेरे बेबी ने नाई नाई कर ली, इसलिए नाई नाई कर ली। और आजकल जो है ना मैं अक्कू को एक दिन छोड़ के ही नहला रही हूँ, क्योंकि अक्कू को थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रही है। और देखो मैंने ना शहद पिल से मंगवाए हैं, ये कल लेके आए हैं, तो अभी ना नहाने के बाद मैं अक्कू को ये शहद दूंगी चाटने के लिए। और अगर एक बार अक्कू को इसका टेस्ट अच्छा लग गया
क्योंकि मीठा तो ये होता ही है, तो मुझे लग रहा है पूरी बॉटल ही खाली कर देगी। शहद है ये, दवाई नहीं है। देखो आपको ये लगता है कि दवाई है, दवाई नहीं है, शहद है ये खांसी के लिए। और आपको की ना यहाँ ये सारी दवाइयां है ना जो आपको की है, यहाँ पे जितनी भी रखी हुई है सारी खाती नहीं है, पर वही है खाना नहीं है कुकू। आ जाओ जल्दी, आपको को कपड़े पहनाते हैं। अभी जो है ना कुकू ने नहा लिया, नहा लिया, कपड़े पहन लिए। अब तो बड़ी सुंदर लग रही है अक्कू यार, बहुत सुंदर लग रही है। तो अब उसे कम मेकअप हो रहा है, मेकअप है ना। तो अभी जो है ना अक्कू को नहा दिया है, और अक्कू नहा के आप आराम से बैठी हुई है। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं 5 कमेंट जो है ना पिक करूंगी, जिनके मुझे ऐसा लगे कि भाई क्वेश्चन है और इनके मुझे आंसर देना है। तो 5 कमेंट वैसे बहुत सारे आए, लेकिन 5 मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में लूंगी जो और भी होंगे। तो यहाँ पे दीपा दुबे का जो है कमेंट है, उनका मेरे से क्वेश्चन है कि दी आप केदारनाथ बद्रीनाथ गए हैं कि नहीं, और आपके यहाँ से वह कितनी दूर है। तो मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ तो कभी गई नहीं हूँ, और यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 250। तो 250 लगभग, 250-300 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से, 250 कम होगा तो इतना लगभग पड़ता ही है। और ये भी हम एक आइडिया ही ले रहे हैं, क्योंकि हम जब गए नहीं है तो फिर हमें एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एंड मिसेस कश्यप, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे किया है डियर, और मेरा भी पिन नहीं आया है, तो प्लीज़ बताना ऑनलाइन कैसे वेरिफिकेशन किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो 3 महीने का जो है ना आपको पिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, कि 3 महीने तक अगर आपका पिन आता है तो ठीक है, 3 बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप ट्राई करोगे। हमने भी ऐसे ही किया था, 3 महीने तक हमने ट्राई किया था तो हमारा नहीं आया। फिर जब 4 मंथ का 4 टाइम भी हमें ऑप्शन मिला, तो हमने फिर से जो है ना ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि हमें ना उसके बाद अगर पिन नहीं आएगा तो 4थी बार जब हम अप्लाई करते हैं पिन के लिए, अगर उसके बाद भी नहीं आएगा पिन, तो आपको उसमें जाओगे ना आप अपने गूगल एडसेंस में, तो वहाँ पे जहाँ पे लर्न मोर लिखा होता है उस पर टच करके, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन ट्रबल शूटर का, तो उसमें जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आएगा आपका, वो आपको फिल करना है अपना। उसमें आपको अपना नाम और जिस नाम से आपका एडसेंस बना हुआ है, और एडसेंस की जो पब्लिशर आईडी होती है वो डालनी है, और जीमेल वही वाली जिसमें आपका एडसेंस बना हुआ है, और अपने को आधार कार्ड का फोटो फ्रंट और बैक का दोनों साइड का उसमें अपलोड करोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा 2-4 या 3-4 घंटे में। बस यही है इसका प्रोसीजर। एक और कमेंट है तिलोक सिंह रावत जी का, तो उन्होंने लिखा है कि थैंक यू बोलो मुझे, मैंने आपके हर ब्लॉग में बोला था कि आप परेशान मत हो, क्योंकि आपके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ में इतने सारे लोगों की दुआएं हैं। तो थैंक यू सो मच तिलोक सिंह रावत जी आपका, और मेरे सारे व्यूवर्स का, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का, सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड बहुत सारी ब्लेसिंग दी है हमें, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हुई है। तो एक और क्वेश्चन है सुषमा शर्मा जी हैं, तो उनका क्वेश्चन है आप पौड़ी गढ़वाल के हो, आपकी जात कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं पौड़ी गढ़वाल से नहीं हूँ, हम टीरी गढ़वाल से हैं, और हमारी कास्ट जो है यहाँ पे मेरी ससुराल में हमारी मेरी पवार है कास्ट, और मायके से मेरे मायके वालों की दावत है, तो हम टीरी गढ़वाल से हैं। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का। तो रेखा जायसवाल जी ने मुझसे पूछा है कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ पास आउट किया, 12th पास आउट किया है, और उसके बाद जो है ना मैंने अपने आगे जो है ना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने गांव से पढ़ाई की है और कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से नहीं कर पाई, तो आप समझ सकते हैं। और आज का ब्लॉग भी जो है ना यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो क्या करेंगे? और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। बाय बाय गुड बाय बाय लव यू। और गढ़वाली में भी बोल दो, एक बार गढ़वाली में बोल दो, दगड़ियों मिलना है की वीडियो में बोलो। और अभी हम ना आपको शहद देंगे खाने के लिए, है ना? नहीं देंगे आपको, रो रही है, आपको लग रहा है वो दवाई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।